इम्स ट्रॉमा सेंटर में क्या आपको जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ऐसा हमें बताया गया था कि जो बॉडी है, जो शव है, उसे इम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है और पूरा परिवार वहां पर मौजूद है, क्योंकि घर पर हम मौजूद हैं, परिवार का कोई भी सदस्य यहां नहीं है। हालांकि दूर दराज के जितने परिजन हैं, जो गली में मौजूद तमाम लोग हैं, वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं परिजनों के आने का, और हम में से कोई भी सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। क्या जानकारी आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक पहाड़ दुखों का टूटा है, उस तरीके से जो मैं सुन रहा था उनका भी कहना था कि हमें खून के बदले खून चाहिए, कहीं ना कहीं वो फांसी की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली देश की राजधानी है और 24 घंटे के अंदर प्रेम प्रसंग को लेकर लगातार बैक टू बैक दो घटनाएं हुई हैं, जिसमें अब मालवीय नगर में एक पार्क में एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसकी डेड बॉडी को मालवीय नगर थाने की पुलिस यहाँ ट्रामा सेंटर में लेकर आई है। मैं इस वक्त ट्रामा सेंटर के बाहर ही मौजूद हूँ, और जो परिवार है, जिसमें जो मृतका के जो परिवार हैं, जिसमें उसके पिता और भाई, वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई अंदर चल रही है और वो लोग बाहर ही बैठे हुए हैं। हालांकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लिहाजा ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उसके सर पर 4 गहरे घाव थे, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम जारी है। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर बता दें, इस मामले पर भी अब सियासत शुरू हो गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठा दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी इस मसले पर ट्वीट करते हुए एलजी से जवाब मांगा और कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं इस पूरे मामले के सामने आ जाने के बाद। एक बार फिर शुरू करते हैं स्टूडियो का।